नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी। फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इनके रिस्पेक्टिव पोजिशन से हम ये जान पाएंगे फ्रेंड्स कि सीजन्स किस हिसाब से चेंज होते हैं और किस जगह पर किस टाइम पर यू नो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, किस जगह पे दिन और रात बराबर होते हैं। और साथ साथ ये जो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है वो किस हिसाब से मनाया जाता है, क्यों सबसे लंबा दिन उस दिन होता है, तो जो रिस्पेक्टिव ओरिएंटेशन होता है उसको हम देखेंगे हल्का फुल्का। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी फ्रेंड्स। तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी में है। अगर आप इसी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रहा दिसंबर। दिसंबर से गए हम मार्च में, मार्च से गए हम जून में, जून से गए हम सेप्टेम्बर, फिर सेप्टेम्बर से आए हम दिसंबर में। तो ये पूरा आपके सामने फिगर बना रखा है। आगे हम देखते हैं अब इक्विनॉक्स क्या है, सोल्स्टिस क्या है। अगर सबसे पहले आपको ये पता करना हो ये जो स्प्रिंग सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है, ये किस हिसाब से आता है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न है, तो जो सन का अपेरेंट मूवमेंट होगा ना, अगर आप अर्थ के लैटिट्यूड्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सन का मूवमेंट अर्थ के लैटिट्यूड्स के रिस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्टेड होगा कहाँ से कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच में। यानी एक टाइम पे अगर सन अर्थ के लैटिट्यूड में कहीं पे होगा तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच में हो सकता है और इस हिसाब से उसकी अपेरेंट मूवमेंट होगी। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि पूरे एक साल में, आपको पता है कि सन का पूरा एक चक्कर काटने में अर्थ को लगता है एक साल, तो अगर पूरे एक साल की बात की जाए फ्रेंड्स, और ये पूछा जाए कि एक साल में जो सन है, वो जो सन का सेंटर है, वो अर्थ के इक्वेटर पे डायरेक्ट ऊपर कितनी बार आएगा, तो आप जवाब क्या देंगे, आप जवाब देंगे दो बार। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इसलिए आएगा, फिगर के रिस्पेक्ट में मैं अभी आप समझाऊंगा। मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच में घूम रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से शुरू हुआ ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न तक गया तो अब एक बार इक्वेटर को क्रॉस किया, और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न से फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सन गया तो एक बार इक्वेटर क्रॉस किया। यानी वो इक्वेटर को सन का सेंटर दो बार क्रॉस करेगा, दो बार इक्विनॉक्स होगा एक साल में। और वो दो बार इक्विनॉक्स कब कब होगा, देखिए पहली डेट होगी 20 और 21 मार्च, इनमें से किसी एक दिन हो सकता है, और दूसरी है 22 या 23 सितंबर। तो या तो 20 या 21 मार्च को होगा या 22 से 23 सितंबर की में से किसी एक दिन पे होगा। इसकी डेफिनेशन में देख लिया, इक्विनॉक्स इज कॉमनली रिकॉर्डेड एज द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर प्रोसेस थ्रू द सेंटर ऑफ द टर्न। यानी कि जब प्लेन अर्थ के इक्वेटर का पास करेगा सन के सेंटर से, वो कब पास करेगा, तो 20 या 21 मार्च को या 22 या 23 सितंबर को। और इस समय पे सेंटर ऑफ द सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस इक्विनॉक्स को मार्च में बोलते हैं वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग सीजन है, और सेप्टेम्बर में इसी इक्विनॉक्स को बोलते हैं ऑटोमनल और फॉल इक्विनॉक्स। यहाँ पे आके देखते हैं, इक्विनॉक्स यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ यहाँ क्यों आ रहा है, यहाँ यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इक्वेटर प्लॉट कर दूँ, यहाँ पे इक्वेटर प्लॉट कर दूँ, तो इस इक्वेटर के डायरेक्टली ऊपर है सन का प्लेन, यानी सन के सेंटर के साथ ये इक्वेटर का प्लेन मैच कर रहा है। उसी तरीके से ये इक्वेटर का प्लेन और ये जो सन का जो सेंटर है वो मैच कर रहा है, इसीलिए इक्विनॉक्स है। यानी कि इक्वेटर के डायरेक्ट ऊपर है आपका सन का सेंटर, इसीलिए ये इक्विनॉक्सेस हो रहे हैं। ये ऑटोमनल इक्विनॉक्स है और ये है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसको वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। अब अगर बात की जाए कि ये सोल्स्टिस क्या है, तो सोल्स्टिस में आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सोल्स्टिस वो इवेंट होता है जब सन या तो नॉर्दर्ली सबसे ऊपर गया हो या साउदर्ली सबसे नीचे गया हो, यानी नॉर्दर्न पोजिशन में वो सबसे ऊपर गया हो अर्थ के लैटिट्यूड्स के रिस्पेक्ट में, या फिर अर्थ के लैटिट्यूड्स के रिस्पेक्ट में वो बहुत ज़्यादा नीचे गया हो, साउथ डायरेक्शन में गया हो। तो जब नॉर्थ में जाएगा, ठीक है, तो सबसे ऊपर कहाँ तक जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। जो मैं सुन रहा हूँ उसको ध्यान देते रहिएगा फ्रेंड्स, अभी मैं फिगर के हिसाब से जब समझाऊंगा ना आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जब वो नॉर्थ में जाएगा तो मैक्सिमम कितना नॉर्थ जा सकता है, वो जा सकता है मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा वो जून 21 को। और सिमिलरली जब वो साउथ जाएगा सन अर्थ के लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में, तो मैक्सिमम जा सकता है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न तक, और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे वो कब होगा, 21 दिसंबर को, ठीक है।
और ये जो जून 21 हो या दिसंबर 21 है ना, इसी पे पड़ेंगे आपके सोल्स्टिसेस फ्रेंड्स, और सीजन्स भी आपके इन सोल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस पे ही डिपेंड करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे फिगर के हिसाब से, ये रहा इक्वेटर, और इस इक्वेटर के थोड़ा ऊपर आप बना लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो सन का सेंटर है ना, वो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, यानी कि मार्च 2021 को ये जो सन का सेंटर था वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर था, लेकिन जैसे ही वो 2021 मार्च से 20 और 22 जून तक पहुंचा, 21 जून मान के चलिए, क्योंकि 21 जून को ही ये लगभग आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए उस दिन इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, पता होगा आपको, ठीक है। तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन का प्लेन आ गया, यानी कि सन की मूवमेंट इक्वेटर के रिस्पेक्ट में नॉर्थ में सबसे ऊपर आ गई है, और सबसे ऊपर कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वो नहीं जाएगा, अब इसके बाद ये वापस जाने लगेगा इक्वेटर की तरफ। समझे फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 21 जून आएगा, कभी कभी ये 22 जून भी हो जाता है, तो ये 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमेशा याद रखिएगा, ये 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। बस यही दिखाता है समर सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस दिखा रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटोमेटिकली सबसे छोटा दिन हो जाएगा। फिर अर्थ की मूवमेंट इधर शुरू होगी, ये सितंबर 22-23 को, जैसा कि मैंने बताया, इक्वेटर ऐसे होगा, सन के प्लेन में आ जाएगा सेंटर पे, तो ऑटोमनल इक्विनॉक्स हो जाएगा, और फिर जब ये इधर से चलता हुआ यहाँ पहुँचेगा विंटर सोल्स्टाइस दिसंबर 21-22 के टाइम पे, तो दिसंबर 21-22 के टाइम पे देखिए फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल आपका सन से उस तरफ चला गया है, नॉर्थ पोल चला गया है अंधेरे में, यानी ज़्यादा सन की एनर्जी जा रही है अब साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर ये था इक्वेटर, तो इसके नीचे होगा ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, तो अब इस ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के डायरेक्ट ऊपर है ये सन का सेंटर, ठीक है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के डायरेक्ट ऊपर होगा सन का सेंटर, क्योंकि साउदर्न लैटिट्यूड की तरफ जाएगा सन, तो मैक्सिमम नीचे कहां तक जाएगा, मैक्सिमम नीचे किस लैटिट्यूड तक जाएगा साउथ में, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न तक, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बाद वो वापस इक्वेटर की तरफ जाने लगेगा, और ऐसा कब होगा, 21 और 22 दिसंबर को, जिसको हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। तो विंटर सोल्स्टिस में साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा, और वहां पड़ रही होगी गर्मी। लेकिन विंटर सोल्स्टिस को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने रेफरेंस क्या मान के चल रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को रेफरेंस मान के चल रहे हैं। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन हो रहा था, उसको हमने बोला था समर सोल्स्टिस। अब जब साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा, तो उसको हम बोल देंगे विंटर सोल्स्टिस। तो 21 और 22 दिसंबर को हो गया आपका विंटर सोल्स्टिस, 20 से 22 जून, यही 21 जून होता है और ये 21 दिसंबर होता है नॉर्मली, ठीक है। पर ये रेट जो डेट्स की रेंज होती है वो कभी कभी ओरिएंटेशन की वजह से चेंज हो जाती है, तो 20 से 22 जून तक वेरी हो जाता है। नॉर्मली 21 जून को ही होता है समर सोल्स्टिस, नॉर्मली विंटर सोल्स्टिस आपका 21 दिसंबर को ही होता है, वो 21 कभी कभी 22 भी हो जाता है, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, समर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन सन सीधे सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 21 जून को पड़ता है, उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन। उसके बाद आपका 22-23 सितंबर को या 20 या 21 मार्च को होते हैं इक्विनॉक्स, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर सन। उसके बाद विंटर सोल्स्टिस का 21 या 22 दिसंबर को, 21 दिसंबर ही मानिए, इसमें सन का सेंटर सीधे सीधे ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के ऊपर, इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसको बोला विंटर सोल्स्टिस। और आप देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं मूवमेंट की वजह से आपके सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं। आपके सीजन्स क्यों चेंज हो रहे हैं, इन्हीं मूवमेंट की वजह से हो रहे हैं। यहाँ पे विंटर था, ठीक है, यहाँ पे विंटर था, विंटर कहाँ था, विंटर था आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्यों, क्योंकि सारी सनलाइट तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जा रही, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हो गया समर्स। समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखिए सीजन्स को मैं समझाऊंगा आपको कहीं और पे, ठीक है, ये सब मैं आपको कहीं और पे समझाऊंगा, यहाँ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये इस जगह का टॉपिक नहीं है। बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया दे दे रहा हूँ कि आप देखिए इस फिगर में, इस फिगर में आपको नजर आ रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है। दिसंबर के टाइम पे आपको पता होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, वहाँ होती है गर्मी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है ठंडी। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिसंबर के टाइम पे समर्स पड़ रहे होते हैं, तभी आप देखोगे कि कभी कभी इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाती है ना तो विंटर्स के टाइम पे जाती है, तो उस समय इंडिया में तो विंटर्स हो रहे होते हैं पर ऑस्ट्रेलिया में समर पड़ रहे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दिसंबर जनवरी के टाइम पे।
उसी तरीके से आपका यहाँ से आएगा तो अभी तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है फ्रेंड्स, विंटर पड़ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे फिर मार्च 21 के टाइम पे आ जाएगा स्प्रिंग, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा समर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ऑटम, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा जब आप साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करोगे। तो सीजन्स को हम लोग नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से कभी किसी और वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोल्स्टाइस वो दो मूवमेंट्स हैं जब सन या तो बिल्कुल ही नॉर्थ लैटिट्यूड पे सबसे ऊपर है, साउथ लैटिट्यूड पे सबसे नीचे है अर्थ के इक्वेटर पे। वो नॉर्थ और साउथ वाले पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, साउथ में हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ में हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 20 या 21 जून को होगा नॉर्थ में और 21-22 दिसंबर को होगा आपका विंटर वाला सोल्स्टाइस, पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। डे की लेंथ के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ फिगर में बताते वक्त। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड्स, कमेंट्स के थ्रू बताएं, अगर नहीं भी पसंद आ रही है तो भी बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।